ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं तद एकम वो एक है, तत् सत्यम वो सत्य है, तद ब्रह्म वो ईश्वर है, स एव ज्योतिषाम ज्योति ही, वो सब ज्योतियों की ज्योति है, स एव परमेश्वर है, वो ही परमेश्वर है, तद एव ही परम ब्रह्म, वो ही परम ब्रह्म है, तद ब्रह्म हम न संशय है, वो ब्रह्म तत्व क्या है, मेरे भीतर आपके भीतर जो आत्मा है वो उसमें समाहित है, समाया हुआ है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक दुख मनुष्य का पीछा करता रहेगा, ये कर्म चक्र है। कितने जन्मों से हम सब लोग इस पृथ्वी पर आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, अपने पिछले जन्मों को हम लोग जानते नहीं हैं। हाँ, परमात्मा जिनको चाहता है थोड़ा बहुत उनको वो ज्ञान, वो विवेक और वो जागृति आत्मा में प्रदान कर देता है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको अपने पिछले जन्मों के स्मरण है। हमारे यहाँ हल्द्वानी में हमारी एक सत्संगी माता है जमुना माता, उनको अपने पिछले 11 जन्मों की याद है, स्मृति है 11 जन्म। कहने का मतलब ये है पृथ्वी की इस यात्रा पर हम लोग जो आए हुए हैं थोड़े समय के लिए, जैसे सत्ताएं आती हैं उनका निश्चित 5 वर्ष का समय होता है, उस समय में वो क्या क्या कर सकते हैं, अपने देश के लिए, समाज के लिए, बिगड़ी हुई व्यवस्था के लिए क्या क्या उसमें सुधार कर सकते हैं, और वो समय लिमिटेड है, सीमित है। उतने ही समय में हमको हाथ पैर छेदते हुए संघर्ष करते हुए हृदय में सच्चाई की ज्योति लिए हुए अपनी यात्रा इस पृथ्वी पर कभी वहां कभी वहां कभी वहां करनी होती है। राष्ट्र प्रथम है, मातृभूमि प्रथम है। हम लोग स्कूलों में जब शिक्षा ग्रहण करते हैं हमारे हृदय में अपने राष्ट्र के लिए बड़ी उमंगें, उत्साह, कुछ करने का जुनून होता है। छोटे छोटे जब हम बच्चे स्कूल में जाते थे झंडा ऊंचा रहे हमारा 26 जनवरी 15 अगस्त, और जब हम नवयुवक हो जाते हैं तरुण अवस्था में आते हैं विद्यार्थी होते हैं यूनिवर्सिटी में होते हैं तब भी हमारे हृदय में एक जज्बा अपने देश के लिए, भारत माता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्रवासियों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए होता है कि हम जरूर अपने जीवन में कुछ न कुछ करेंगे। और ईश्वर हमको
अवसर प्रदान करता है। फिर हम ऐसी स्थिति में आते हैं कि हम कुछ कर सकें, ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं, उनमें बहुत अच्छे अच्छे लोग अपने भवानी सिंह जैसे और दूसरे योगी जैसे, आदित्यनाथ जैसे, मोदी जैसे, ये ऋषि आत्माएं हैं। और ऐसे लोग भी हमको मिलते हैं लोमड़ी जैसे चालाक, मिनट मिनट में रंग बदलने वाले गिरगट जैसे, कहने को राष्ट्रवादी और हकीकत में स्वार्थवादी। स्वार्थ प्रथम, उनके लिए स्वार्थ प्रथम। जब तक हम हृदय से एक मुनि नहीं बन जाते, एक ऋषि नहीं बन जाते, सर्व त्यागी नहीं बन जाते, जब तक बुद्ध की तरह नहीं बन जाते, बोध हमारे भीतर जब तक ईश्वर का, आत्मा का, राष्ट्र का, प्रत्येक मनुष्य की वेदना को जब तक हम आत्मसात नहीं कर पाते, तब तक हमारा राष्ट्रवाद एक दिखावा, दिखावे के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति जब अपनी आत्मा में समझ लेता है मुझको कुछ नहीं चाहिए सिवाय मेरे राष्ट्र के, मुझको कुछ नहीं चाहिए वसुधैव कुटुंबकम, इस पृथ्वी पर जो मेरे भाई बहन है, मेरा इतना बड़ा परिवार है इस पृथ्वी पर, इनके कष्ट दूर हो जाएं, ये कष्ट में ना पड़े। और क्योंकि जीवन तो सीमित है, 50, 60, 70, 80, 90 बस 200-250 साल के किसी की उम्र होने वाली नहीं, और फिर इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में हम प्रवेश कर जाते हैं, दूसरी दुनिया में। बहुत से लोग विश्वास नहीं करते, बहुत से कहते हैं किसने देखा है, मरने के बाद कौन लौट के आया, बहुत से आए हैं हमारे समाज में। आप ध्यान दीजिए, मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं, आपके रिश्तेदारी में कहीं दूर दराज में आपने सुना होगा कोई मर गया, जमीन पे उतार लिया और वो तो एक दो घंटे बाद में फिर हरकने फरकने लगा, जीवित हो गया। ऐसा होता है, बहुत जगह होता है। और वो बताते हैं मुझको तो फरिश्ते ले गए थे, यमदूत ले गए थे और बहुत ऊपर ले गए, और वहां देखा इतनी लंबी दाढ़ी वाले बैठे और उन्होंने किताब देखी, अरे ये किसको ले आई, ये तो गलत है, ये तो गड़बड़ हो गया, इसको वहीं छोड़ के और इसको नीचे भेज देते। आत्मा का वो पहला पड़ाव होता है चित्रगुप्त भगवान के यहां, यमराज जी के यहां। मृत्यु के बाद की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। जब हमारी अवस्था केवल 19 वर्ष की थी, हम विद्यार्थी थे, उस समय मृत्यु के देवता भगवान यम आए और उन्होंने हमारे शरीर से प्राणों को, आत्मा को निकाला, भैंसे पे बैठाया और सितारों ने उससे परे बहुत दूर ले गए, दिखाया ये स्वर्ग है, इंद्र भवन है और इधर ये देवताओं के लोक हैं, ये सिद्धों के लोक हैं, ये ब्रह्मा का लोक है, और देख लो आओ चलो नरक की तरफ भी हम लेके चलते हैं। वहां नरक में इतना भयंकर भयानक वहां का दृश्य, आदमी देख ले तो 3 दिन तक बुखार उतरेगा नहीं, इतनी खराब हालत।
और उन्होंने बताया ये इस पाप के कारण है, ये इस पाप के कारण है, ये इस पाप के कारण है। यहां नरक में जल रहे हैं, मर रहे हैं, सड़ रहे हैं। शराब पीने वालों का हाल देखो, उनका मुंह चीर दिया गया और इसमें से खून और मवाद निकलता है। कि ये लोग ऐसे थे, इनको बड़ा समझाते थे, धर्म गुरुओं ने समझाया, धर्म ग्रंथ पढ़वाए, माँ बाप ने समझाया, पत्नी ने पैर पकड़े, घर का नाश मत करो, पर ये मान के नहीं दिए। शराब पीने से हटे नहीं पीछे। अब देखो इनका क्या हाल है, नरक का उन्होंने वो दृश्य हमें दिखाया। पंखों वाले फरिश्ते भी हमें दिखाए, हमसे से ये परियों की कहानी है, ये फरिश्ते ये सब काल्पनिक चीजें नहीं, काल्पनिक कुछ भी नहीं है, या कहिए जो जो हमारी कल्पना में आता है वो कहीं ना कहीं इस सृष्टि में जाके सत्य हो जाता है। और फिर वो हमें बहुत ऊपर अनंत में ले गए, जिसको हम परम ब्रह्म या परमात्मा या अनंत ज्योति स्वरूप कहते हैं, वहां ले गए। वहां पर ये गुंजार उठता था, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे परमात्मा तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा। न तस्य प्रतिमा अस्ति, यजुर्वेद के ऋषि कहते हैं उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं, तस्वीर नहीं, मूर्त नहीं। यस्य नाम महद्देश, उस परमात्मा का नाम ही हमें पवित्र करने वाला और हमें उस तक पहुंचाने वाला है। मृत्यु के देवता फिर से वापस आए और हमें हमारे शरीर में छोड़ गए, और उसके बाद कई बार हमें लगा वो आए और उन्होंने कहा जो हमने लिखाया है, जो हमने बताया है वो लोगों को बताओ, दिखाओ। हमने कहा हमें तो सब पागल बताएंगे, कहीं ना इनको तो कोई बुखार हो गया, इनका तो दिमाग का कुछ हिल गया है, ये तो झूठी बात कह रहे हैं। हमने कहा कम से कम 5-6 लोगों को ऐसा जैसा आपने हमको दिखाया दिखा दो, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत दिखा दो, उसके बाद हम कहेंगे। तो उन्होंने 7 व्यक्तियों को ऐसे अनुभव कराए जैसे हमको कराए थे। जब उन्होंने हमसे कहना शुरू किया, हमें तो ऐसा लगा हम तो हमको ये ले गए, हमको वो हुआ, हमने वहां जाके मरे हुए अपने संबंधियों को देखा, हमने कहा हमको भी ऐसा ही हुआ था। और उन्होंने कहा जहां भी जाओ ये परलोक वाली बात सबको बता देना, सबको बताना, कोई विश्वास करेंगे कोई नहीं करेंगे, और कह देना कि पाप कर्म ना करना, अनुचित कर्म ना करना, अपने राष्ट्र से गद्दारी ना करना, धन के लालच में, जमीन के लालच में, अपने माता पिता भाई से दुश्मनी बैर मत करना, किसी का हक मत मारना। ये जो सामान्य बातें हैं बहुत सीधी सीधी बात हमको लगती हैं, ये बड़ी मुश्किल बातें। लालच, जब इंसान के दिल में लालच आता है वो बाप का कत्ल करा देता है, भाई का कत्ल करा देता है, पत्नी अपने लालच में, स्वार्थ में, बदगुमानी में और बुरे रास्ते पे चल के पति तक का कत्ल करा देते हैं। और बड़ी होशियार समझते हैं अपने आप को ऐसे काम करने वाले, देखो हमारा किसी को पता नहीं चला, हम पकड़े नहीं गए, ये है वो है। नहीं, कर्म चक्र जो है, जो कर्म चक्र है वो कभी रुकता नहीं। आज जो बीज हम बो रहे हैं, चाहे वो मट्टी में बहुत नीचे दब जाए, एक दिन अवश्य वो ऊपर निकल के आता है। हम बात कर रहे हैं अपने राष्ट्र की, आप लोगों को एक बहुत अच्छा अवसर उस परमात्मा ने दिया है, बिल्कुल ईमानदारी से कार्य करें, सच्चाई के साथ में कार्य करें। जो लोग इस मार्ग में राष्ट्र सेवा, समाज सेवा
के मार्ग में हमें लेके आए हैं उनको कुचलने की ना सोचें, वो हमसे बड़े हैं। अपने हृदय के सिंहासन पर बैठा कर उनको सम्मानित करें। ये नहीं, कल वो हमारे गुरु थे, आज चेला जो है गुरु के कंधे पे पैर रख के ये गया और वो गया और गुरु पीछे पड़ा, ये अनुचित है। जिस पार्टी में हम हैं उसी से गद्दारी करें तो कहीं ठिकाना होगा। मैं अपनी तरफ के ऐसे लोगों को जानता हूं जो आज अच्छे बड़े नेता हैं और अपनी पार्टी को धोखा देते हैं, अपनी पार्टी को, राष्ट्रवादी एक ही पार्टी है भाजपा, जो राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, और इनमें भी अनुचित लोग घुस के आ जाते हैं, स्वार्थी, मक्कार। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपनी पार्टी को हरा दिया, खुद अपनी पार्टी को हरा दिया, हमारे क्षेत्र में है। उनको कौन सा फल परमात्मा देगा? जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, मतलब पूरा नहीं हुआ, हमारा देश, हमारे लोग, हमारे नागरिक, बिना पढ़े लिखे लोग, बुजुर्ग एक उम्मीद लगाए बैठे हैं हम लोगों से, आप लोगों से। ये पार्टी मोदी जी की पार्टी, योगी जी की पार्टी, ये पार्टी नहीं है, ये एक यज्ञ है, यज्ञ है। इस यज्ञ में अगर कोई इस यज्ञ को नष्ट करने वाली वस्तु डालता है या धोखे से सामग्री में मिला के एटम बम डाल दे जो वहां के यज्ञ करने वाले भी उड़ जाए, उनको आप क्या कहेंगे? गैरव वस्त्र पहनकर मैं और चौंडाल जैसे काम करूं, क्या मेरा देश मुझको माफ करेगा? क्या मेरे यज्ञ के जो होता, जो ऋत्विज बैठे हैं, वो मुझे माफ करेंगे? या उनको जीवन भर पता ना चले कि ये बम किसकी आहुति से आया? सैकड़ों हाथ में आहुति डालने वाले डाल के पीछे को हो गए, पता किसी को, आज तक किसी को पता भी नहीं चले, पर उसकी अपनी आत्मा क्या वो उसको क्षमा करेगी? मैं राजनीति में नहीं हूं, लेकिन मैं राष्ट्र के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए मेरे हृदय में वेदना है, संवेदना है। राजा धर्मात्मा है और हम लोग कितने बड़े धर्मात्मा हैं, हमारे दिल में क्या है, हमारे मुंह पे क्या है, हमारे कर्मों में क्या है, हृदय, वाणी और हाथ, कर्म, ये तीनों जब हमारे पवित्र हो जाएंगे, जब हम अपनी चांडाल वृत्ति को, कौवे जैसी कुटिलता को त्याग देंगे, तब हम अपने राष्ट्र को ऊपर ले जा सकते हैं। मेरे राष्ट्र का हर एक व्यक्ति, हर एक नहीं हो सकता तो विप्रोधा जो इस यज्ञ में सम्मिलित हैं, उनको जरूर आत्मा से तपस्वी होना चाहिए, ऋषि मुनियों जैसा हमारा चिंतन होना चाहिए, और शरीर से हमें बलिष्ठ सैनिक जैसा मजबूत होना चाहिए, और हमारे बयानों को रणचंडी जैसा होना चाहिए, दुश्मनों के लिए, देश के दुश्मनों के लिए। वैसे भी नवरात्र चल रहे हैं, मातृशक्ति देवी, इस आत्मा को ही देवी कहा है, चाहे वो पुरुष के शरीर में है या स्त्री के शरीर में है, देवी। ओम शम्मो देवी रवष्टयापो भवन्तु पीतये, ये आत्मा ही उस परम ब्रह्म परमात्मा की शक्ति, चाहे
एक बूंद है ये, उसकी आज्ञा से ही इन शरीरों के माध्यम से यहां पृथ्वी पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। और आप देखिए ये क्षेत्र ऐसा है पृथ्वी का, यहां सब बीमार आत्माएं हैं, यहां भेड़ियों ने बड़े सुनहरे दुपट्टे ओढ़ रखे हैं, भेड़ियों ने अंदर से भेड़िए, चाहे वह साधु संन्यासी हो, मैं केवल व्यक्तियों की बात कर रहा हूं, साधु हो नेता हो कोई भी हो, उन लोगों में बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं हैं और बहुत निकृष्ट निकृष्ट नरक की आत्माएं उन लोगों के बीच में स्थित हैं। महात्माओं में आप ले लीजिए, कुंभ में ले लीजिए, किस तरह से लड़ते हैं, किस तरह से इलाहाबाद में कुंभ समाप्त हुआ, सफाई हुई तो रेत में जहां महात्माओं के अखाड़े थे वहां से स्त्रियों की लाशें निकल रही हैं, लाशें वे विचार कर करके रेत में दाब दिया, ये महात्माओं के कारनामे। महात्मा ये नहीं है लाल पीले कपड़े पहन के तिलक लगा के महात्मा बन गए, महान आत्मा महान तत्व को जिन्होंने अपने अंदर धारण कर लिया, चाहे वह हस्तिनापुर के राज दरबार के विदुर हो, विदुर महाराज वे हैं महात्मा, चाहे वह जनक महाराज है, जनक राजा होते हुए भी वे महात्मा है, चाहे उज्जैन नरेश है, विक्रमादित्य महान आत्मा, सच्चे हृदय से जो अपना सर्वस्व दूसरों के लिए अर्पण कर रहा है, अर्पित कर रहा है, और उसके बदले में जो कुछ नहीं चाहता वो है महात्मा। ऐसे महात्मा हम बने, महंत आत्मा को धारण करें, महानता को धारण करें, महानता को धारण करके ये आत्मा महान आत्मा महात्मा, नीचता को धारण करके नीच आत्मा पाप आत्मा असुर आत्मा राक्षसी आत्मा चंडाल आत्मा बन जाती है। हमारी शिक्षा हमारी एजुकेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो जो भी यूनिवर्सिटी में अनेक कन्हैयाओं को पैदा करे, इन नवयुवकों को क्या कहेंगे, क्या वे जानते नहीं तुम इस मट्टी से पैदा हुए, क्या वो जानता नहीं वो लड़का कि मेरी माँ ने बर्तन मांज मांज के मुझे पढ़ाया, आज पूरे भारतवर्ष में वो कुख्यात है, सब इस पर लानत भेजते हैं, जो अपने देश का नहीं हुआ अपनी मातृभूमि का नहीं हुआ वो किसका होगा, जो अपनी माँ को गाली दे सकता है उससे नालायक और कौन इंसान हो सकता है। भारत माता ये हम सबकी माता है, इसके लिए प्राणपण से कार्य करना हम लोगों का संकल्प है। विवेकानंद ने कहा था अपने वक्त में, उन्होंने कहा था ये जो मंदिरों में मूर्त रखी है पत्थरों की इनको पानी में डुबा दो, इस देश में जो मेरे भाई बहन है दुखी मजबूर परेशान उनकी सेवा करो, वे सच्चे देवता और देवियां हैं, और ये अवसर हम लोगों को मिला है आप लोगों को मिला है, इस अवसर को आप स्वार्थ के बोझ में दबने मत देना, मेरी आपसे प्रार्थना है ये अवसर आपको मिला है आपसे परमात्मा पूछ लेगा, क्योंकि जब हम विद्यार्थी होते हैं तब हमारे अंदर बड़ा जोश होता है, जब तक हम नेता नहीं बनते गली गली में सबके पैर छूते फिरते हैं, ताई वोट मुझको ही देना, बाबा जी वोट मुझको ही देना, ये नागरिक केवल वोट बनाने की मशीन भर गए, हमारे स्वार्थ को मक्कारियों को पूरा करने की मशीन है बस, ऐसा नहीं। अपनी मातृभूमि से हम गद्दारी ना करें, सेवा करें या ना करें गद्दारी ना करें,
अन्यथा ये प्रजा किस पर विश्वास करेगी? भगवान बुद्ध ने जो राज्य छोड़ा था, सबको ये पता है कि वो तीन घटनाओं से छोड़ा था। तीन घटनाएं हुई थी, बीमार देखा, मृतक देखा और वृद्ध देखा। नहीं, 29 वर्ष की आयु थी उनके। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने जीवन काल में ये घटनाएं देखी नहीं, देखी थी। उनके यहां राष्ट्रीय संघर्ष हुआ था शाक्यों का। कुछ लोग उन्होंने स्वार्थी थे, मक्कार थे, देवदत्त जैसे। देवदत्त और उसके पिता और उसकी माता मंगला, शुद्धोदन राजा के छोटे भाई, उनकी पत्नी और उनका बेटा देवव्रत, उन्होंने यहां तक षड्यंत्र रच लिए कि दूसरा जो करीब में राष्ट्र था कोलिया राष्ट्र, वहां का जो राजा है दंडपाणी, उसकी बेटी यशोधरा से देवदत्त की शादी कर लो, उसको अपने प्रभाव में ले लो, कपिल वस्तु पर चढ़ाई करा दो और इस राष्ट्र को नष्ट करा दो और यहां का राजा हमारा बेटा देवदत्त बन जाए। राज्य में रहते हुए राज्य से ऐसा चिंतन उनका। हालांकि इस कार्य में वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनके मन में पूरी पूरी वो बात थी कि जो इस समय राष्ट्र के अधिकारी हैं, राष्ट्र के नायक हैं, उनको गिरा दो और बस तुम्हें सत्ता मिल जानी चाहिए, तुम्हें कुर्सी मिल जानी चाहिए। ये लालच, ये षड्यंत्र उनके हृदय में था। संक्षेप में मैं अपनी बात ये कह रहा हूं, देखिए हम लोग भारत माता के अच्छे बच्चों में गिने जाते हैं, कम से कम भाजपा वाले, संघ वाले, हिंदूवादी हम लोग, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बजरंग दल हो, दुर्गा वाहिनी हो, ये सब, ये भारत मां के स्वच्छ अच्छे बच्चों में से है। हम लोग पूरी शक्ति से, पूरी सामर्थ्य से, बगैर दूसरों की बात में आए हुए, कोई कान में फूंक मार दे तुम्हारे क्षेत्र में, देखो वो खड़े होंगे तुम्हारे, और हमें सपा वालों को जिता देना, हम तुम्हें आगे को ये करा देंगे, ये बहुत होता है। राजनीति में अच्छे लोग आना नहीं चाहते कि ये बड़ी गंदी जगह है, कहते कुछ है, करते कुछ है। एक पिता ने अपने लड़के से पूछा, 10-12 साल का लड़का था, बेटा क्या बनोगे? बड़ा होके मैं योगी बनूंगा, आदित्यनाथ योगी बनूंगा। अच्छा, राजनीति में जाऊंगा। अच्छा, राजनीति में जाएगा बेटा? हाँ। अच्छा, तू ऊपर मकान पे चढ़ जा। मकान पे चढ़ जा, अब तू कूद जा, मैं तुझको थामता हूं, तो कूद। और वो लड़का कूद पड़ा और बाप पीछे हट गया, हाथ पैर टूट गए, लड़के के हाथ पैर टूट गए। 2 महीने तक अस्पताल में पड़ा रहा। उसने कहा, पिताजी आपने मेरे साथ ऐसा किया, आप मेरे पिता हो। बोले, बेटा तू राजनीति में जाना चाहता है, मैंने तुझको ये पहला पाठ राजनीति का पढ़ा, अपने बाप पे भी यकीन मत करना। स्वार्थी लोग, मक्कार लोग ऐसे होते हैं, कहीं भी गिरा देंगे, धोखा दे देंगे, लेकिन लेकिन सत्य का कभी विनाश नहीं होता, सत्पुरुषों का कहीं विनाश नहीं होता। आप देखिए ना, कलयुग में भी मोदी जैसे, योगी जैसे, आप जैसे, हमारे भवानी सिंह जैसे और आप जैसे, हमारी बहनें, आप लोग लगे हुए हैं। मैं आपके अंदर उस ऊर्जा को भरना चाहता हूं कि आप कभी भी अपने सत्य से विचलित ना हो। चाहे कोई सोने के ढेर लगा दे तो भी विचलित ना हो, चाहे कोई आप पदों का लालच कोई दे तो भी विचलित ना हो, और कोई तलवार लेके खड़ा हो जाए कि
तुम्हें सिर काटता हूं काट दो, अपने सत्य से विचलित ना हो, यह भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। और एक जगह कहीं क्लास लगी हुई थी विद्यार्थियों की, वहां पे भारतीय छात्र भी थे, जापान के भी थे और दूसरे देशों के थे। टीचरों ने पूछा, हिंदुस्तानियों से बताओ भाई, तुम्हारे देवता अगर तुम्हारे देश पर आक्रमण कर दे तो तुम क्या करोगे? वो कर ही नहीं सकते, वो क्यों करेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे। जापान के एक लड़के से पूछा, भाई तुम खड़े हो, तुम्हारे देवता और बुद्ध अगर तुम्हारे राष्ट्र पे आक्रमण कर दे तुम क्या करोगे? सिर काट देंगे नमस्कार। उस लड़के का जवाब कहने का अर्थ यह है, हमारा देवता वही है जो हमारे राष्ट्र के साथ है, हमारा गुरु वही है जो हमारे राष्ट्र के साथ है, हमारा पिता वही है जो हमारे राष्ट्र के साथ है, हमारा सर्वस्व वही है जो हमारे राष्ट्र का उदय करता है। मेरे राष्ट्र का हरेक व्यक्ति आत्मा से तपस्वी और शरीर से एक मजबूत सैनिक बने, जो अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की रक्षा कर सके, सेवा कर सके। परमेश्वर तेरी रोशनी को आंधियों में लिए फिर रहा हूं, परमेश्वर तेरी रोशनी को आंधियों में लिए फिर रहा हूं, आत्माएं जो भटकी हुई ढूंढता फिर रहो हूं। वेद मंत्रों से करो परमेश्वर की आराधना, वेद मंत्रों से करो परमेश्वर की आराधना, लेकिन भूल न जाना अपने राष्ट्र की उपासना, अपने राष्ट्र की उपासना, अपने राष्ट्र की उपासना। आप तीन बार मेरे साथ परम ब्रह्म परमेश्वर का पवित्र मंत्र बोलें, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर का ये सिद्ध मंत्र है, इस मंत्र को आप जपते रहें और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपके भीतर प्रकाश उमड़ रहा है। ईश्वर की शक्ति कहीं आपको गिरने नहीं देगी, और फिसल के गिर गए तो तुरंत उठा लेगी। इस बात का विश्वास करें, अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहें, सब कुछ, जो भी हमसे हो सकता है, जैसा भी हमसे हो सकता है, राष्ट्र प्रथम। इस राष्ट्र के लिए हम जो कुछ करें ऊपर उठाने के लिए, वो ही धर्म है। दूसरों की दृष्टि में चाहे वो कितना ही खराब काम हो या कुछ हो, कुछ हो, कुछ हो, वो ही धर्म है, वो ही धर्म है, वो ही धर्म है। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा।